तो जैसा कि मैंने ये तीनों सेंसर्स के वायर जो है अभी यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम, इसका ये सप्लाई का कनेक्शन है। अब इसका सप्लाई का कनेक्शन जो है हम ये है, इसका सप्लाई का जो है कनेक्शन हम इसमें करेंगे। ये हमारा रिवर्स लाइट का है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये रिवर्स लाइट का है, ठीक है। जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये वाला लाइट इसका जल जाता है, ये वाला है, ठीक है, ये वाइट लाइट। तो इसमें हमारा जो इवान कार है, तो इस इवान कार का जो कलर कोडिंग है, ये एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो ब्लैक जो है वो ग्राउंड है, ब्लू जो है वो फेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये ब्लैक है वो ब्लैक हम ग्राउंड में लगा देंगे, और जो रेड है, रेड को हम ये फेस से कनेक्ट कर देंगे, मतलब प्लस से, ठीक है। तो जो हमारा माइनस होगा, माइनस जो है ब्लैक में, और जो प्लस होगा वो रेड वाला, ये हमारा ब्लू में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी कार में कुछ अलग हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं, रिवर्स लाइट जलाकर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं पावर सप्लाई का, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, रेड को मैंने ब्लू के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ब्लैक को ब्लैक के साथ ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है, जो प्लस और माइनस वायर है उसको देख के ही लगाना है, नहीं तो आपका मॉडम DVR ख़राब हो सकता है, सेंसर ख़राब हो सकता है। और ये इसका पूरा सेटअप बॉक्स रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको DVR भी बोलते हैं कुछ लोग, तो आप भी DVR बोल सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ रख दिया है, आप इसको अपने हिसाब से सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये लाइट से इसका कनेक्शन भी किया है, और पूरा इसका जो वायर है सेंसर का भी इधर ही से लेकर मैं आया हूँ, ठीक है, अंदर से ऐसे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका जो LCD है यहाँ पे फिट कर दिया है, और इसका वायर यहाँ से ले जाके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ले जाके हम इसके अंदर, ये जो आपका गेट है, गेट के अंदर जो ये पैकिंग लगा है, इसके अंदर से हम पूरा वायर को लेकर गए हैं। ये देख लीजिए अच्छी तरीके से यहाँ से, ठीक है, ये निकल जाता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर से पूरा वायर गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डाल के इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे वायर ले गए हैं, ऐसे पीछे तक यहाँ से ले जाके, ये देखिए, ये थोड़ा सा वायर दिख रहा है आपको, फिर इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल के ये यहाँ से, ठीक है, ये गेट का जो पैकिंग है इसमें से ले जाके हम एकदम पीछे ले लिए हैं। तो इस तरीके से हम इसका इंस्टॉल किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले।